कैसा पानी पीना चाहिए, धोवन पानी पीना चाहिए कि गर्म करके पीना चाहिए, छान के पीना चाहिए कि ऐसा ही पीना चाहिए, कौन सा कैसे पानी पीना चाहिए? कैसा पीना चाहिए? और स्वास्थ्य सर्वोपरि है, स्वास्थ्य सर्वोपरि। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि सभी को स्वास्थ्य के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, पूरी तरह से पालन करना। मैं आपको और भी अपने मन की बात कहती हूँ कि स्वास्थ्य के संबंध में किसी गुरु से आदेश मत लीजिए, क्योंकि गुरु शरीर शास्त्री नहीं है, उनको स्वास्थ्य के नियमों का पता नहीं है, इसलिए गुरु से नहीं। लेकिन जो डाइटिशियन, जो शरीर विज्ञानी है, जो स्वास्थ्य के नियमों को जानते हैं, उन्हीं को पूछिए कि स्वास्थ्य के संबंध में आपका जो आदेश है उन्हीं के अनुसार नियमों का उसी तरह से। क्योंकि भगवान के पास जब आप जाते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब आप भगवान के पास जाते हैं तो भगवान से सबसे पहले प्रार्थना कौन सी करते हैं, क्या मांगते हैं भगवान से? आरोग्य मोहिनाथम, लोगस्य का पाठ, सबसे पुरानी भक्ति का पाठ है आरोग्यम। सबसे पहले आप भगवान से आरोग्य मांगते हैं। जब भगवान से आरोग्य मांगते हैं तो जिनको गुरु स्वास्थ्य के नियमों का पता नहीं, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित नहीं रखेंगे। मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि पार्ना में घी और ये दूध और ये मिठाई और ये मलाई और ये जो खाते मैदे की चीजें, उसको आप बंद कर दीजिए। प्राकृतिक उपवास जिस तरह से करते हैं उसी के अनुसार उपवास का ध्यान रखिए। एक तरफ में कल उपवास करना, और शाम को हम क्या करते हैं, ठूस ठूस करके खाते हैं। क्यों गड़बड़ी करते हैं, क्यों स्वास्थ्य को बिगाड़ते? मत करिए ऐसे, ऐसे तप मत करिए, ऐसे धर्म के जो जिन नियमों का पालन, जिनको शास्त्रीय मतलब स्वास्थ्य के नियम के अनुसार जिनकी पूरी जानकारी है, आप उन्हें के मार्गदर्शन में। इसलिए स्वास्थ्य की बात तो मैं आप सबसे कहूँगी कि पहले स्वास्थ्य के नियमों का पूरी तरह से पालन करके, वो जो भोजन के लिए, अभी तो मैंने अहमदाबाद में पिछले साल में थी तो अहमदाबाद के लगभग 60-65 संघ के सभी कार्यकर्ता बैठे थे। मैंने कहा कि ये 5 तिथि निरोगी नहीं खाने का जो पचखान दिया जा रहा, बदल दीजिए इसको। 5 तिथि अगर खा सकते हो तो घी मत खाओ, तला मत खाओ, मेला मत खाओ, मिठाई मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, ऐसी जो स्वास्थ्य के विपरीत चीजें वो मत खाओ। अगर खा सको तो फल फूल हरी सब्जी खाओ और कुछ मत खाओ। ये सब ये चीजें छोड़ दो। पर्यूषणों के दिनों में ये सब खा लेते, मिठाइयाँ खाते हैं, बासुंदी खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, श्रीखंड खा लेते हैं, ये क्या मजाक बना रखा है, क्या धर्म का मजाक बना रखा? नहीं खाना है उन दिनों में, 8 दिन तक तली हुई चीजें चक्कर, ये नहीं खाना है। स्वास्थ्य की अनुकूल ही भोजन, हल्का भोजन लेना है। अब पानी का क्या करने का है, उबालना है कि इसको क्या करना है, कि राख डाल करके, आटा डाल करके, कपड़े धो करके, बर्तन साफ करके, क्या बादलपन विक्षिप्तता लाखी धर्म के नाम पर स्वास्थ्य को बिगाड़ने का ये धंधा कर रहे हैं। उनको नहीं पता क्या वो कर रहे हैं, कौन सा वो पाप कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं जो धर्म के साथ में जुड़ी जाती है, तेरे अंदर महावीर के साथ में जुड़ी जाती है, थोड़ी शास्त्र पढ़ी, थोड़ी भाष्य पढ़ी, थोड़ी चुनिया पढ़ी, थोड़ी निरुक्तियाँ पढ़ी, देखिए वो जिंदगी को इस प्रकार से उसका मजाक बनाने के लिए धर्म को आपके पास मैंने नहीं दिया है। अहिंसा अहिंसा से कोई संबंध नहीं, और मैं कहती हूँ कि जो अहिंसा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से, मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से पानी को जो उबाल करके पीते हैं, मैं सोचती हूँ इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं है। कैसे आप ये सोचेंगे कि पानी को उबाल करके, मैं तो सीधा ही प्रश्न पूछू, कल्पना करके तुम खुद पानी हो,
तुम खुद पानी और मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमको उबाल करके पीऊं कि अच्छी ऐसे ही पी जाओ, अब क्या कहेंगे? क्या कहोगे? उबाल करके पीऊं कि ऐसे पीऊं? आप क्या कहोगे? इसीलिए मैं गुरु की बात छोड़ रही हूँ कि मैंने कहा कि आप खाना पीना तो आप उन जो स्वास्थ्य के नियमों का, जैसे लीना जी जैसी बात करते हैं, आप उन्हीं की बात सुनो। ये शास्त्र की जो बात है वो शास्त्र में ऐसा नहीं है। उन्होंने इतना जरूर कहा, उन्होंने जरूर इस प्रकार पानी को उबालने की बात, अगर कोई मूल अगम में मुझे कोई भी बता दे। नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसीलिए मैं कह रही हूँ स्वास्थ्य की दृष्टि से आप जो कहते हैं उसके लिए मेरा उसमें निषेध नहीं है, लेकिन धर्म की दृष्टि से, और जिस खास करके जिसमें राख डाली जाती है, कपड़े धुले हुए होता है, मिट्टी डाल करके या बर्तन धो करके जो पानी है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है। इसे एकदम बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए इसका धर्म के साथ। पानी तो पीना तो है ही, फिर ये क्या नाटक बची? ये क्या नाटक बची कि तुमको जहर दे करके मार करके पिए कि तुमको ऐसे ही पी जाए? ये हुआ कि राख डालने का मतलब क्या हुआ? ये लौंग डालने का मतलब क्या हुआ? ये पानी को जहर दे करके मारना ही हुआ क्या है? इतना सस्ता और इतना आसान और बेमतलब का ऐसा धर्म मत बनाइए। धर्म तो साधना है, जीवन को सुंदर बनाना है।